बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करें, इसके लिए आपको बैंक के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे, आप घर बैठे भी इसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार, मैं कुसुमा आपका स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस के साथ साथ डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है। वैसे इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। तो इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में लैपटॉप में लेकर चल के बताता हूँ। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.bankofbaroda.in पे जाना होगा, तो चली जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी हमें जो है नेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करना है इंडिया से, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा होगा बड़ौदा कनेक्ट एप्लीकेशन अपग्रेडेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिटेल यूजर्स का, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नया टैब फिर से ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी यूजर आईडी यानी कि कस्टमर आईडी भर दीजिएगा। आपको कस्टमर आईडी वेलकम लेटर या फिर आपके पासबुक पे दी गई होती है, आप उस कस्टमर आईडी को यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। कस्टमर आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग फर्स्ट यूजर हैं, तो हमारे पास पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड का, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला कि रीजनरेट पासवर्ड यूजिंग ईमेल और मोबाइल ओटीपी, या फिर रीजनरेट पासवर्ड यूजिंग योर डेबिट कार्ड। अगर आप अपने मोबाइल ओटीपी या फिर ईमेल ओटीपी से पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, या फिर डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। दोनों में अंतर क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। दिक्कत ये होगी कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी अन्य काम नहीं कर पाएंगे। आपको अपने डेबिट कार्ड से वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा बाद में चल के। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने डेबिट कार्ड का माध्यम ही सिलेक्ट करिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रीजनरेट पासवर्ड यूजिंग डेबिट कार्ड पे सेट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल इंटर कर देनी है, तो यहाँ पे आप 16 डिजिट का नंबर इंटर कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन में एक्सपायरी डेट भर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे आप अपना एटीएम पिन भर दीजिएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा यहाँ पे आपको दिया होगा आप वही कैप्चा यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कौन सा पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, साइन ऑन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड या फिर दोनों। तो अभी हम लोग न्यू यूजर हैं, तो हमें दोनों सेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ पासवर्ड पॉलिसी मिल जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस टाइप से पासवर्ड सेट करना है, तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में अपना न्यू साइन ऑन पासवर्ड बनाना होगा, ये पासवर्ड आपको लॉग इन करते वक्त यूज करना होगा, तो यहाँ पे आप वो पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद साइन ऑन पासवर्ड फिर से री एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नया ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाना होगा, और फिर से वही ट्रांजेक्शन पासवर्ड को आप यहाँ पे री एंटर कर दीजिएगा। दोनों ही पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो होगा द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लॉगिन करके देख लेते हैं कि हम अपने यूजर आईडी और नए पासवर्ड के साथ लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना वही यूजर आईडी भर दीजिएगा, और भरने के बाद यहाँ पे आप अपना साइन इन पासवर्ड भर दीजिएगा। जो भी आपने नया साइन इन पासवर्ड बनाया होगा आप उसे यहाँ पे भर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिया होगा आप उस कैप्चा को यहाँ पे भर दीजिएगा, और भरने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो होगा वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा एनरोलमेंट। तो यहाँ पे आपको एनरोल नाउ पे क्लिक कर देना है, और एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल्स देनी होगी। ये डिटेल्स आपको कब काम आती है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है, उस समय आप अपनी इस डिटेल की मदद से आसानी से अपने पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल मैसेज भरना होगा कि आपको लॉगिन करते वक्त यहाँ पे आपको क्या सा होगा। तो आप जो भी अपना पर्सनल मैसेज भरना चाहते हैं आप उसे यहाँ पे भर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना नाम भर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से किसी पांच को सिलेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर फेवरेट बुक, व्हाट इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, हु वाज योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज। इनमें से आप किन्हीं पांच को सिलेक्ट करने के बाद उनका आंसर दे दीजिएगा। इन पांचों ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिर से चेंज करना होगा।
तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। पहले ऑप्शन में आप अपना एग्जिस्टिंग साइन ऑन पासवर्ड भर दीजिएगा, जो भी आपने पहले बनाया होगा आप उसे यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नया साइन ऑन पासवर्ड बना लीजिएगा और फिर यहाँ पे आप अपना नया साइन ऑन पासवर्ड फिर से रीएंटर कर दीजिएगा। रीएंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड भरना होगा, जो भी आपने पहले ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाया है आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पे भरना है। आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपना साइन ऑन पासवर्ड चेंज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो फिर से चेंज हो चुका है और यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। और लॉग आउट करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको अपना OTP वेरिफिकेशन कराना होगा, तो यहाँ पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। ध्यान रहे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर भरने से पहले आपको अपना कंट्री कोड यानी कि 91 इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना OTP भरना होगा, जो भी आपके मोबाइल नंबर पे मिला होगा आप उस OTP को यहाँ पे भर दीजिएगा। और भरने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना साइन इन पासवर्ड देना होगा, जो भी आपने अपना साइन इन पासवर्ड बनाया होगा आप उसे यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने अकाउंट की पूरी डिटेल्स होगी, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे आपको और भी डिटेल दी गई है, आप जो भी चाहें उसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको कैसे नेट बैंकिंग यूज करना होता है, कैसे पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, और भी डिटेल आपको न्यू वीडियो में मिलेगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पे नेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुके हैं, बस तो यही था नेट बैंकिंग में लॉगिन करने का प्रोसेस। दोस्तों फाइनली हमने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके देख लिया है, अब बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग की कि आपको मोबाइल बैंकिंग में कैसे लॉगिन करना होगा। बता दूं कि अगर आपने हमारी पिछली बैंक ऑफ बड़ौदा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अकाउंट खोलते ही आपका एमपिन आपके मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से मिल जाता है। वैसे अगर आपके पास एमपिन नहीं है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच जाकर मोबाइल बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका एमपिन आपके मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पास एमपिन है तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने नंबर को वेरीफाई करवाना होगा, तो यहाँ पे आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक SMS सेंड करना होगा, तो आप SMS भी सेंड कर दीजिएगा। SMS सेंड करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर खुद ही ले लेगा और उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको उस OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन पासवर्ड बनाना होगा, तो यहाँ पे आप अपना 4-डिजिट का एप्लीकेशन पासवर्ड बना लीजिएगा और बनाने के बाद फिर से यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन पासवर्ड री इंटर कर दीजिएगा और री इंटर करने के बाद यहाँ पे आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन हो गए, तो आप यहाँ पे रीड करने के बाद एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में अपना एग्जिस्टिंग एमपिन भरना होगा। यहाँ पे वो एमपिन भरना है जो कि आपको SMS के माध्यम से बैंक की तरफ से मिला है, आप उसी एमपिन को यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एमपिन मिला है, तो हम इसी एमपिन को यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन में अपना नया एमपिन बना लीजिएगा और फिर से उसी एमपिन को आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा और इंटर करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एमपिन हैज बीन अपडेटेड, यहाँ पे हमारा नया एमपिन जो है बन चुका है। यहाँ पे हम लोग लॉगिन करके देख लेते हैं कि हम लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन पासवर्ड बनना होगा, जो कि आपने पहले से भरा है, आप उसी एप्लीकेशन पासवर्ड को यहाँ पे भर दीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर शो होगा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना एमपिन इंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप एमपिन इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे आप अपने मोबाइल बैंकिंग के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अपने मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ से आप अपने माई अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है अकाउंट नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे हमारा अकाउंट बैलेंस हो रहा है। अगर आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस रखते हैं तो भी यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे, क्योंकि ये हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है। बस तो यही था लॉगिन करने का प्रोसेस। बाकी सभी जानकारियाँ मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज करना होगा, पैसे भेजने के लिए क्या क्या करने होते हैं, फिर बेनिफिशियरी कैसे ऐड किया जाता है, स्टेटमेंट कैसे चेक किया जाता है, ये सभी जानकारियाँ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बस तो यही था लॉगिन करने का प्रोसेस।
बस तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के लिए आसानी से लॉगिन कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बैंकिंग न्यूज़ वीडियो लेके आते रहते हैं। बस तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।